हाय गाइस, जब आप स्कूलिंग बच्चे करते हैं तो उसमें टेक्स्ट बुक या कुछ असाइनमेंट दिया जाता है, उसको करके आपको कैमरा पे दिखाना होता है। तो उसके लिए आपको कैमरा क्लियर होना चाहिए। या फिर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं और आप अपने लैपटॉप से, तो आपका जो कैमरा है उतना पावरफुल नहीं है, इसके लिए आप एक नया लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं। ओके, तो आइए मैं आज एक ऐसे ऐसा सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ जिस जो आपके इस प्रॉब्लम का समाधान कर देगा। बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा एडिशनल आपका यूएसबी कैमरा का। ओके, जो आप मोबाइल में भी लगा सकते हैं, आपके प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स में भी लगा सकते हैं, अगर आपको गेमिंग के लिए यूज करना है या स्काइपी यूज करना है एक्सबॉक्स से, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, या कंप्यूटर से लगा सकते हैं। थ्री होम का ये 4 मेगापिक्सल का आपका कैमरा है, वाइड एंगल कैमरा है। ओके, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, इसको जस्ट एक यूएसबी में लगाएंगे, कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लिया आपका ब्लर हो रहा है ये कैमरा लगाने के बाद, अगर आपका स्क्रीन ब्लर हो रहा है या नया खरीदा था आपने जब सही था, कुछ समय बाद ब्लर हो गया, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ओके, मैं ये जो श्रीहोम का ये 4 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, ये नया नहीं है। मैं 1 साल पहले मैंने ख़रीदा था अपने बच्चे के ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे पुराना लैपटॉप में उतनी अच्छी विजिबिलिटी आती नहीं थी। तो वैसे आप प्रेजेंस, अगर आप कोई अटेंशन चेक करना है कि पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, उतना के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है, असाइनमेंट में आपको बच्चे कुछ करते हैं उसके बाद उसको कैमरा के सामने ऐसे दिखाया जाता है, तो उसके लिए क्या हाई इसमें पावर का कैमरा होना चाहिए, या तो फिर आप मोबाइल से, मोबाइल देना नहीं चाहते क्योंकि मोबाइल से ये आँखें के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ओके, तो ये जो कैमरा है ये 4 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है। ओके, और इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक इस तरह से स्टैंड है, ये ऊपर लटका भी सकते हैं, मैं आपको कर करके दिखाता हूँ। ओके, जैसे ये हमारा सपोज लैपटॉप हुआ, तो कुछ नहीं इसको करना है, इसका यूएसबी निकाले, कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इसको इस तरह से आपने लटका दिया, ठीक, पीछे जितना ओके पीछे जितना आपको हाइट रखना है वैसा रख सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे से ये आपका ऐसे हो गया, सेट हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, ये यूएसबी लगाएंगे, ठीक है। ये यूएसबी लिया और लगा दिया। ओके, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे इस पे एक लाइट्स ऑन आपको रेड कलर का दिखता होगा, ये रहा एक लाइट, तो ये पावर ऑन लाइट्स। ओके, और इसमें इस जो कैमरा है 4 मेगापिक्सल का है, और ये नॉइज कैंसलिंग इसमें है। तो इसके एक एक्स्ट्रा फायदा ये है कि कैमरा आप लगाएंगे तो आपके आजू बाजू के जो एक्स्ट्रा नॉइज, कंस्ट्रक्शन नॉइज है सपोज, या पीछे कोई पड़ोसी हल्ला कर रहा है, तो वो नॉइज कट हो जाए, एम्बियंस कट हो जाएगा, आपका सिर्फ आवाज़, आपकी आवाज़ जाएगी। ओके, ये है। अब मैं आपको इसके अंदर जो माइक है, नॉइज कैंसिलिंग का माइक यहीं पे रहता है, 2 माइक्स रहते हैं। ओके, एक आपके आवाज़ के लिए रहता है, आवाज़ आपका कैच करने के लिए, दूसरा आपका नॉइज कैंसिलिंग के लिए। तो इसको आप वॉइस टॉक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूएसबी से लगाएंगे, स्पीकर आपके लैपटॉप का आवाज़ होगा, इस्तेमाल होगा, जिससे कि आवाज़ आपको सुनाई देगा, बट आप जो बोलेंगे वो सामने वालों को सुनाई देगा इस माइक से, ठीक है। लेकिन ये है एक्चुअल में कैमरा। ओके, तो मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि दोनों कैमरा में क्या फ़र्क है आपके सामने। ओके, मैं कैमरा एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। ये अभी अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ का कैमरा का अपना ये लाइट ऑन है, इसका मतलब इसका लैपटॉप का जो डिफॉल्ट कैमरा है वो यूज हो रहा है। ओके,
तो इसमें आपकी विजिबिलिटी के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ नोटपैड पे लिख करके या बना करके कोई टास्क है वो तो उतना मैन्युअली नहीं दिख पाएगा। ओके, तो अब मैं यूएसबी लगा करके और इसका कैमरा स्विच करूँगा। ओके, अब जैसे ही किया, यूएसबी लगाया, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक बटन आ गया चेंज कैमरा का। ओके, तो ये नॉर्मल है आपका, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। ओके, ये देखिए, ये आपका नॉर्मल कैमरा है। ओके, अब मैं चेंज कैमरा करता हूँ। ओके, चेंज कैमरा। ओके, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये ब्लर आ रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा इश्यू फेस कर पा रहे हैं तो पहले तो मैं इसको ट्रबल शूट करना बता देता हूँ। जैसा बताया कि ये मेरा नया प्रोडक्ट नहीं है, मैं यूज कर रहा हूँ इसको, बट इसमें कुछ इश्यूज आ गए थे। अभी 6-8 महीना से सही चल रहा था, अचानक से ये ब्लर हो गया। तो मैंने कोशिश किया समझने का ये कैसे काम करता है, तो उसी के बेस पे मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये जो ब्लर है, ब्लर कोई भी कैमरा कब होता है पहले ये चीज़ जानिए। ब्लर तभी होता है जब उसका मल्टीपल लेंस रहता है ना, जूम करने के लिए कभी भी या वाइड एंगल करने के लिए लेंस के ऊपर लेंस लगाया जाता है, बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, वो अगर आगे पीछे हो गया तो आपका ब्लर हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जानने के वजह से मैंने उस हिसाब से सोचा और ये देखा कि ये खुलता होगा साइड। ओके, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे पुश नहीं होगा। ओके, लेकिन इसको घुमाएंगे। आपका ये कैमरा चालू है, आपको कितना चेंज हो रहा है वो भी दिखेगा। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, ठीक है, खोल करके। ओके, खींच लिया इसको बाहर, राइट। अभी आपका स्केलेटन दिख गया अंदर का, ठीक है। अब आप इसको घुमाइए और आपका ये फर्क आएगा, ये देखिए, थोड़ा सा क्लियर हुआ। इस तरह से जितना आपका फोकस मिलाना है, जितना आपको फोकस सेट करना है उतना फोकस सेट कर दे सकते हैं, ये देखिए, राइट। मोबाइल का ही फोटो आ रहा है, अगर मैं अपना देखूं तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बात और, अब देखिए ये इस कैमरा का, श्री होम का जो 4 मेगापिक्सल का है मॉडल, मैं देख करके बता दूंगा, तो इसका फोटो आ रहा है। अब मैं इसका स्विच कैमरा करता हूँ लैपटॉप से, इस ऑप्शन से। ओके, तो स्विच कैमरा किया, ये देखिए कितना फर्क। ओके, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन था। इसका जो कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आया मुझे, 1500 या 1200-1300 के आसपास में आया था। और इसका मॉडल जो है, मॉडल है ये SH002 करके मॉडल है, मल्टीपल तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और ये आपको 360 ऐसे घूमता है और ऊपर नीचे करने के लिए ये है। ओके, और एक ये आपके लैपटॉप के ऊपर लोड ना पड़े या स्क्रैच ना आए, उसके लिए एक ये नीचे पैड दिया हुआ है। इस पैड को आप उस हिसाब से टिल्ट करके और पीछे लगा करके और यूज कर सकते हैं। गाइस, ये आज का हमारा छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग था, और उस हिसाब से एक सोल्यूशन जो मैं खुद के यूज करने के लिए मुझे अच्छा लगा, मैंने आपसे शेयर किया। मुझे आशा है आपको ये पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।